व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई। नान खटाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप पिसी हुई चीनी, एक कप मैदा, 2 टेबलस्पून हमें सूजी चाहिए, 2 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 कप हमें चाहिए घी, 1/4 कप हमें चाहिए बेसन। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, घी को मैंने गरम करके थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। देखिए मैंने सारा घी डाल दिया। अब ज़रा स्पून की मदद से पहले हम इसे चीनी को और घी को मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि हमने बीटर से इसे अच्छी तरह से फ्लफी करना है, चीनी उड़े नहीं, इस वजह से इसको अच्छी तरह से पहले स्पून के साथ मिक्स कर लें। देखें फ्लफी सा हो रहा है, चीनी और जो घी हमने डाला था उसको इस तरह से पीटा था। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। ये देखें इतना फ्लफी सा हो गया गा, बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसको साफ करके, ये देखें बीटर हमने हटा दिया है। अब हमने इसमें डालना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैदा 1 कप, 1/4 कप हमने बेसन लिया था, 2 टेबलस्पून सूजी, 2 टीस्पून हमारा बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून। अब इसे हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करें। बहुत अच्छी नान खटाइयाँ ये बन जाती हैं, घर ही पर तैयार हो जाती हैं, साफ सुथरी, बिल्कुल मार्केट जैसी। जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे और खाएंगे तो वाकई में आप कहेंगे कि बहुत अच्छी है। बताइए मैंने आपको ये रेसिपी। ये देखें सारी डो हमारी इकट्ठी हो गई, इस तरह से डो तैयार होएगी हमारी। ये देखें डो हमारी तैयार है। अब हमने 1 चम्मच लेना है उसकी मदद से, ताकि हमारे एक ही साइज़ के बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी, अवन में भी और विदाउट अवन भी। ये देखें हमारे ये सारे तैयार हो गए माशाल्लाह से। अब इसमें हमने छुरी की मदद से हल्का गहरा सा करके टक लगाना है सारों पे। लगाने के बाद हमने फिर इस पे
अंडे की जर्दी लगानी है, पूरा अंडा नहीं लेना, अंडे की जर्दी लगानी है। बहुत सॉफ्टली हाथों से लगाना है हमने। अब मैं इसे रखने रही हूँ, रख रही हूँ। ये मैंने पहले से गरम करा हुआ है, बताओ अमन बता रहे हैं आपको। ये मैंने अवन में रखनी है डिश, अवन में भी बता रही हूँ मैं आपको। और अवन पे रखेंगे हम लोग 180 पे 10 से 12 मिनट तक, और जो हमने अवन के बगैर रखना है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हमने रखना है। गरम है, मैं रख रही हूँ। अब हमने इसके ऊपर एक ये भारी से रख देना है ताकि इसकी जो हीट है ना वो बाहर ना निकले, और जो हमने नान खटाइयाँ बेक होने के लिए रखी हैं वो सही से हमारी हो जाएं। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें हमारी अवन में जो हमने रखी थी ये पूरे 12 मिनट में ये तैयार हो गई हैं। अवन में 180 डिग्री पे रखी थी मैंने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सभी चेक करते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक पहुँची हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, अभी ना इसमें थोड़ी सी है कसर, ये अभी नरम है हल्की हल्की से, इसमें टाइम लगेगा अभी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसे चेक करते हैं अब। तैयार हो गई, ये देखें इसके तैयार होने का ये है कि ये बिस्किट जो हमने रखे थे ये अपनी जगह छोड़ देते हैं, इसका मतलब है ये तैयार हो गई। ये देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ठीक है। अब हम इन्हें निकालते हैं, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये नान खटाइयाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें इन्होंने नीचे से बर्तन छोड़ दिया है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे निकालना क्योंकि गर्म है ना अभी बिस्किट, तो ये टूट भी सकते हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ सारे बिस्किट, ये देखें ये देखें, ये हमारे विदाउट ओवन बनेंगे, ये देखें ठीक है सारे तैयार हो गएंगे। अब हमें देखें माशाल्लाह से हमारी सारी नान खटाइयाँ तैयार हैं, और कितनी सारी बनी हैं ये नान खटाइयाँ, ये ओवन में बनाई थी, ये देखें पीछे से भी देखें सारी इसी तरीके से हैं, ये देखें, और ये बग़ैर ओवन वाली हैं, ये देखें ये बग़ैर ओवन की हैं माशाल्लाह से, देखें कितनी सारी तैयार हो गई हैं, और खस्ता बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी होती हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी नान खटाइयाँ बहुत अच्छी हैंगी जब आप बनाएंगे, और यकीन जाने जब अपने हाथ से चीज़ बनाते हैं ना उसकी खुशी बहुत होती है कि, और अच्छा लगता है कि अपने हाथ से साफ़ सुथरी चीज़ें हमने बनाई हैंगी। ये मैंने अपनी पोती की सालगिरह पे जब बनाई थी तो मेरा बेटा आएगा, उसने फरमाइश करी कि मुमानी आपने नान खटाई बनाना मुझे बताएं, तो मैंने अपने बेटे के लिए ये उसकी फरमाइश पर ही बनाई हैगी। मर्दान बेटे ये आपकी फरमाइश पे नान खटाई तैयार है, अवन के साथ भी बनाइए और बग़ैर अवन के भी बनाइएगी, जैसे आपको अच्छा लगे आप लोग उस तरीके से बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपनी दोस्तों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले देखने को मिले। शुक्रिया।